हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 का सीट रैंक क्या होगा, कितनी रैंक पे आपको एम्स कल्याणी का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। इससे पहले हमने अदर कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हमने एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर और उसके साथ ही साथ हमने बात किया ऋषिकेश का। यदि वो सारे वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो। और साथ ही साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एम्स कल्याणी का यदि आपको सीट चाहिए तो वहाँ पे आपको कितनी लो रैंक तक सीट मिल सकता है, कैसे आपको चॉइस प्रेफरेंस रखना है, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जितना भी आपका प्रोसेस होगा, जैसे कि आपका सीट अलॉटमेंट, काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग के बारे में सभी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका 2023 में एम्स बीएससी नर्सिंग का कल्याणी कितनी रैंक तक अलॉट हुआ था, उसके आधार पे 2024 में, ठीक है, 2024 में कितनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट होने वाला है। 2023 की बात करें, 2023 की बात करें तो यहाँ पे 966 सीटों पर एडमिशन हुआ था और इस साल 2024 में आपका 1281 के अप्रोक्स सीट पे एडमिशन होने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितनी रैंक तक जो है आपको सीट अलॉटमेंट हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट राउंड का आपका सेफ रैंक क्या रहेगा, सेकंड राउंड में कितनी रैंक तक आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और उसके साथ ही साथ ओपन राउंड में आपका कितना सीट, कितनी रैंक तक जो है आपको सीट मिल सकता है। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 2024 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, जो हमारे टीम 4 साल की एक्सपीरियंस के साथ आपके स्कोर पे, आपके रैंकिंग के बेसिस पे बेस्ट चॉइस फिलिंग के साथ ही साथ आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी ऑफिशियल अपडेट रहेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम, उसके साथ ही साथ कैसे सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या प्रोसेस करना है, तो ए टू जेड काउंसलिंग जितना भी प्रोसेस होगा वो हमारी टीम आपने उसमें हेल्प करेगा, गाइड करेगा, पर्सनल आपको व्हाट्सएप ग्रुप देगा जिसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी शेयर करने वाला है, ठीक है। तो यदि आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो, जो 4 साल की एक्सपीरियंस टीम है, जो आपके स्कोर के बेसिस पे, जो आपके रैंक के बेसिस पे बेस्ट चॉइस फिलिंग के साथ आपको एक अच्छी, जो भी आपकी ड्रीम कॉलेज होगी वहाँ तक पहुँचाने में हमारे टीम जो है वो आपकी मदद करने वाली है। काफ़ी स्टूडेंट जो यहाँ पे ये सोचते हैं कि 1281 सीट है, तो क्या इतने ही स्टूडेंट्स का, जैसे काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं जिनकी 3000 रैंक आई है या 4000 रैंक आई, तो मेरा तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि 1081 सीट ही है तो 1081 स्टूडेंट्स को मिलेगा, 4000 5000 वाले को नहीं मिलेगा। यदि वो SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो 8000 वाले को नहीं मिलेगा, 9000 वाले को नहीं मिलेगा, 10000 वाले को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स लेके वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और उसकी वजह से उनका एक साल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उनको सही तरीके से पता नहीं होता है कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो ये पूरा एनालिसिस हमारा टीम आपको करके देगा, आपको बताएगा कि आपकी रैंक पे क्या सीट मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और सीट मिलने की जो प्रोसेस होगी हमारी टीम की, यदि आप साथ जुड़ेंगे तो वहां तक पहुंचाने में हमारी टीम आपका हेल्प कर देगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन होना हो तो स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट राउंड की बात करेंगे, जो पहला राउंड आपका होता है उसकी कट ऑफ आपकी क्या जाने वाली है। लास्ट ईयर आपका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ क्या गया था, देखो सबसे पहले यहाँ एक चीज ध्यान में रखना है कि लास्ट ईयर जो सीट अलॉटमेंट हुआ था उसमें केवल सीट था 966। ओके, केवल कितना था, 966। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि केवल 966 सीटों पे एडमिशन हुआ था। इस साल 2024 की बात करें तो इस साल आपका एडमिशन होने वाला है 1281 सीटों पर, तो कट ऑफ पे काफी इफेक्ट पड़ेगा, मतलब लो स्कोर वाले को भी सीट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो 490 रैंक तक यहाँ पे लास्ट ईयर फर्स्ट में सीट अलॉटमेंट हुआ था। इसका सीट अलॉटमेंट भी आपको हम दिखाएंगे ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि हाँ इस रैंक पे सीट मिला था। वहीं EWS की बात करें तो EWS में 1549 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ था। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे OBC एनसीएल को 1600, यहाँ पे देख सकते हो 80 के अप्रोक्स यहाँ पे सीट रैंक पे आपको फर्स्ट राउंड में एम्स कल्याणी का सीट अलॉटमेंट हुआ था, और SC कैटेगरी में 2105 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुआ था, और ST कैटेगरी की बात करें तो 6883, लगभग 7000-8000 स्टूडेंट का नाम था, उसमें से 6883 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल सीट है वो 960 सीट है, लेकिन यहाँ पे जो सीट अलॉटमेंट हो रहा है वो 6863 रैंक तक, मतलब 6863 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ। तो जितने भी पेरेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, तो इससे आपको ये कंफर्मेशन हो गया कि सीट डिसाइड नहीं कर सकती कि आपको कितनी रैंक तक सीट मिलने वाला है। ये ऐसा क्यों होता है वो हमें आपको सीट अलॉटमेंट दिखाएंगे, तब आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में। ओके, उसके बाद में हम बात करें एम्स
सेकंड राउंड की बात करें तो सेकंड राउंड में आपका जो है यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ था 886 रैंक तक, उसके बाद में 1975, उसके बाद 3707 रैंक तक ओबीसी एनसीआर वालों को, उसके बाद ही बात सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये जो ईडब्ल्यूएस की रैंक है ठीक है, ईडब्ल्यूएस में अलॉट हुआ था 3707 तक और ओबीसी में अलॉट हुई थी 1975, ठीक है ठीक है, ये उल्टा मिसप्रिंट हो गया। तो ओबीसी एनसीएल मिला था 1975 तक और ईडब्ल्यूएस का जो सीट अलॉटमेंट हुआ था वो 3707 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुआ था। उसके बाद में हम बात करें एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी में 3750 ओके 3750 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ था, उसके बाद एसटी में कोई भी सीट वैकेंट नहीं था, यहाँ पे कोई भी अलॉट नहीं हुआ था। ओपन राउंड की बात कर लेते हैं, तो ओपन राउंड में यहाँ पे बात करें तो ओपन राउंड में यहाँ पे देख सकते हो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो सीट अलॉटमेंट हुआ है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो सीट अलॉटमेंट हुआ वो 1397 रैंक तक, लगभग 1400 रैंक तक जो है आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस को कोई भी सीट नहीं वैकेंट था। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 2316 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ, एससी की बात करें तो 6371 रैंक तक जो है सीट अलॉट हुआ। अभी सारे हम सीट अलॉटमेंट आपको दिखाने वाले हैं ताकि आपको एक कंफर्मेशन हो जाए कि कैसे हाई रैंक पे भी आपको एम्स कल्याणी मिल सकता है। सबसे पहले इतनी हाई रैंक पे, जैसे काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि यार 966 सीट था, इतनी रैंक तक कैसे मिली है, उसका भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं कैसे मिलता है, कौन क्या क्या गलतियां करता है, जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं उसकी भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा ठीक है, जो भी ये सीट अलॉटमेंट है यहाँ आपको आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें तीन चीजें आपको लिखी हुई मिलेगी ठीक है। एक यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करिएगा और ध्यान से इसमें समझिएगा, देखो यहाँ पे तीन चीजें आपको लिखा हुआ आएगा, क्या क्या चीज लिखा हुआ आएगा क्लियरली यहाँ पे जो मेंशन किया गया वो सब चीजें। ओके हम एक बार दिखा देते हैं आपको, तीन चीजें यहाँ पे लिखा होती है, एक होती है FCNA, उसके बाद MRC, उसके बाद में एक आता है NCNNP ठीक है, NCNNP आपको लिखा आएगा, एक लिखा आएगा FCNA ठीक है। FCNA का मतलब ये होता है कि जो भी आपने चॉइस फिलिंग किया है उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हाई रैंक पे भी सीट अलॉट हुआ है लेकिन उनसे अच्छी रैंक पे सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ। जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे कि सेकंड राउंड में जो सीट अलॉटमेंट हुआ था उसमें भी हमने बात भी की थी कि इतनी रैंक तक आपको अलॉट होगा, तो हमने बात किया था कि सेकंड राउंड में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 846 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ, तो एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं कि 846 रैंक पे क्या जनरल के स्टूडेंट्स को एम्स कल्याणी का सीट मिला है या नहीं मिला है। ओके ताकि आपको एक कंफर्मेशन हो जाए कि इस रैंक पे भी आपको सीट अलॉटमेंट हो सकता है हाई रैंक पे भी। ओके तो यहां पे मैंने बात किया था, यहां पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 846 रैंक तक। ओके तो यहां पे हम 846 पे चलते हैं, देखो यूआर यहां पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे एक चीज देखो 846 पे एम्स कल्याणी का सीट अलॉटमेंट हो चुका है। ओके अब यहाँ पे आपको काफी चीजें देखो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो यूआर कैटेगरी स्टूडेंट है जैसे 861 रैंक, ओके 861 रैंक वालों को देखिए, यहाँ पे यूआर कैटेगरी से लेकिन इनको सीट नहीं मिला है ठीक है, यहाँ पे कोई भी सीट इनको नहीं मिला, ये क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने चॉइस फिलिंग में गलतियां की। ओके चॉइस फिलिंग में यदि आप गलती करोगे, सही से चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो आपकी कितनी भी रैंक हो आपको सीट नहीं मिलेगा। और एक चीज और बता देते हैं, आप चॉइस फिलिंग कब कब कर सकते हो, आपका फर्स्ट राउंड में जब चॉइस फिलिंग होगा तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, उसके बाद में आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करने के लिए नहीं दिया जाएगा, मतलब आपका ओनली फर्स्ट राउंड में ही चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद सेकंड राउंड में आपका चॉइस फिलिंग नहीं होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको ले जाया जाएगा ओपन राउंड में ठीक है। ओपन राउंड में यदि आप चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से करोगे तो वहां पे आपको पेमेंट लगेगा और वो पेमेंट है आपका 25,000 रुपया। ओके तो ये 25,000 रुपया आप जब पे करोगे तभी आप यहाँ पे ओपन राउंड के लिए जा पाओगे। तो यदि आपकी अच्छी रैंक आई है ठीक है, जैसे कि आपकी बहुत अच्छी रैंक है लेकिन आपने काउंसलिंग चॉइस प्रेफरेंस में गलतियां की, अच्छे से काउंसलिंग नहीं की, तो फिर आपका इस चीज़ का नुकसान हो जाएगा और आपको ओपन राउंड में 25,000 रुपये पे करने होंगे ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमने काउंसलिंग प्रोसेस मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था, काफ़ी स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर आप इतना यूट्यूब पर हेल्प करते हैं, हमारी पर्सनल काउंसलिंग भी आप कर सकते हो, तो इसके लिए मैंने स्क्रीन पर नंबर दे दिया है जहाँ पर हमारा टीम आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, आपको एक अच्छी रैंक के साथ एक अच्छी कॉलेज में जो आपके ड्रीम कॉलेज है वहां तक पहुंचाने में, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक हमारी टीम आपको मेंटोर करती है, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप देती है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जाती है ठीक है। तो यदि आपको भी वहां हमारे ज्वाइन होना हो तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके चलिए और कुछ दिखाते हैं आपको, यहाँ पे हमने बात किया था कि ईडब्ल्यूएस के ओबीसी के स्टूडेंट्स को 1975 रैंक तक सीट अलॉट हुआ, 1975 पर हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ओके हाई रैंक पर भी आपको सीट अलॉटमेंट होती है 1975 रैंक। ओके तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो सारे लास्ट ईयर के अलॉटमेंट लेटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो ओबीसी स्टूडेंट्स को एम्स कल्याणी का सीट अलॉटमेंट हुआ है। देखिए
ओके, अब नीचे की ओर जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट मिला ही नहीं है। ओके, ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट नहीं मिला, क्यों? क्योंकि इन्होंने काउंसलिंग अच्छे से नहीं किया, चॉइस प्रेफरेंस अच्छे से नहीं की, इसके कारण इनको सीट नहीं मिला। आप इनसे भी अच्छी रैंक है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 1963 रैंक है, ठीक है, और एफ सी ए नहीं लिखा हुआ आ गया, क्यों? क्योंकि इन्होंने चॉइस फिलिंग में गलतियाँ की है, और ये अब इसमें चॉइस फिलिंग में कोई भी जो है चॉइस प्रेफरेंस दिए उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। ये सारे स्टूडेंट ओपन राउंड में जाएंगे और ओपन राउंड में इनको 25,000 रुपये देना होगा। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है कि आपसे अच्छी रैंक वाले भी आपको सबसे पहले सीट ले जाएं। ओके, देखो काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एमएससी ने, सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे एफएससी ने लिखा हुआ है, सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखो, काफी ओबीसी एनसीएल को अच्छी रैंक है लेकिन एफएससी ने लिखा हुआ है, अच्छी रैंक है एफएससी ने लिखा हुआ है, देख सकते हो सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे एफएससी ने लिखा हुआ है। ओके, तो इससे आपको बचना है, अपना ओपन राउंड में 25,000 रुपये पे नहीं करना है, ठीक है। इससे बचने के लिए आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो, एफ एस सी ए ने लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ओबीसी एनसीएल वालों को भी एफ एस सी ए ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सीट क्यों नहीं अलॉट हुआ? क्योंकि इन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से नहीं किया। चलिए एस सी एस टी की बात कर लेते हैं, एस सी ईडब्ल्यू एस की बात की थी, 3,707 रैंक तक सीट अलॉट हुआ। तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि 3,707 पे क्या ईडब्ल्यू एस वाले स्टूडेंट्स को सीट मिला है या नहीं मिला है। ओके, तो चलिए 3,707 रैंक, 3,707, ये सारा एनालिसिस डाटा हमारी टीम काफी आपके लिए मेहनत करता है ताकि आपको एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3,707 रैंक पे सीट अलॉटमेंट हुआ है एम्स कल्याणी का। ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो और भी स्टूडेंट्स को ईडब्ल्यूएस को सीट मिला है और काफी स्टूडेंट को यहाँ पे एफएससी ने लिखा है। एफएससी ने का मतलब आप समझ चुके होंगे। एससी की बात करें तो यहाँ पे एससी को स्टूडेंट्स को 3,750, ओके, 3,750 रैंक तक एससी के स्टूडेंट्स को एम्स कल्याणी का सीट मिला है, क्योंकि यहाँ पे लगभग सारे स्टूडेंट्स को सीट मिल चुका था, तो यहाँ पे स्टूडेंट न होने के कारण कम रैंक पे यहाँ पे मिला। ओके, 3,707 एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं, 3,707 ये देख लीजिए, ठीक है, एम्स कल्याणी का सीट यहाँ पे मिला है 3,707 ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को। ओके, एससी के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे मिला है। तो ये चीज समझ में आ चुकी होगी और आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा और आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। देखो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे कैसे कि उनको डर रहता है कि हमें सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, और यदि वो पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं तो खुद से काउंसलिंग करते हैं, जिनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, और वो फिर यूट्यूब से देख के काउंसलिंग करते हैं, तो उसमें आपकी काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि यूट्यूब पर जो बताया जाता है वो किसी एक रैंक को लेके किया जाता है, क्योंकि आपकी सबकी रैंक नहीं है तो सबको एक जैसा कॉलेज नहीं मिल सकता। ओके, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स के एन आर एन पी लिखा हुआ होगा, एन आर एन पी लिखा हुआ किसी, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 383 रैंक है, 383 रैंक है लेकिन एफ एस सी ने लिखा हुआ है, 390 रैंक है एफ एस सी ने लिखा हुआ, 414 रैंक है, 434 रैंक है एफ एस सी ने लिखा हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी रैंक है, ठीक है, उस पर भी यहाँ पे सीट अलॉटमेंट नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें काउंसलिंग में गलतियों के कारण ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट अलॉटमेंट नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो एम्स की भोपाल टॉप कॉलेजेस यहाँ पे भी अलॉट हुई है। तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, इससे बचने के लिए हमने अपनी टीम तैयार की है जिसमें लास्ट 4 ईयर से ये काउंसलिंग प्रोसेस करती आ रही है। यदि आपको भी ज्वाइन होना हो तो यहाँ पे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया जाएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ओके, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, कौन से राउंड में मिल सकता है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड होगा, एक भी चीज़ें आपसे मिस नहीं होगी, जिससे कि आप अच्छे से काउंसलिंग प्रोसेस करके ओपन राउंड में जाने से बच सकते हो और वहाँ पर अपने 25,000 रुपये को सेव कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए, जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन होना हो तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर चल रहे हैं हमारी टीम के, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।